हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। हिमालय बुक्स की तरफ से जो आपको वर्कबुक्स दी जा रही है, उन वर्कबुक्स के क्वेश्चंस को समझने के लिए हम आपके सामने ये वीडियोस लेकर आए हैं। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं, है ना। तो अपना सब्जेक्ट था, अपन पढ़ रहे थे क्या? अपन कर रहे थे पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन ही कर रहे थे ना अपन, और अपना सब्जेक्ट पर्यावरण अध्ययन था और अपना वर्कबुक थर्ड था। तो आइए शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में अपन ने सेवेंथ एंड एट्थ किया था, आज अपन करेंगे कार्यपत्रक नौ से शुरू करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न क्या है। गेहूं की फसल में पानी पिलाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्यों पड़ती है? क्योंकि गेहूं की फसल को अपनी आवश्यकता का पूरा पानी जमीन से नहीं मिल पाता, इसलिए इसे पानी पिलाने की आवश्यकता आवश्यकता पड़ती है। अगला क्या है? खेत में खाद क्यों डालते हैं? क्यों डालते हैं खेत में खाद? पौधों एवं फसलों की पर्याप्त खनिज उपलब्धता हेतु इधर खनिज लवणों की लिख देना, खनिज लवणों की उपलब्धता हेतु खेतों में खाद डालते हैं। अगला प्रश्न है, पेड़ पौधों की पत्तियों की विशेषता है। ये विशेषता है आप ही लिख सकते हैं कि पत्तियों में बहुत सारी पत्तियां अलग-अलग तरह की होती है, उनका आकार भी अलग होता है, स्वाद भी अलग होता है, और भी बहुत कुछ है। आपको पता है, अपने करा है और आंसर शीट में आंसर दे ही रखा है। कार्यपत्रक 10 की तरफ चलते हैं। इसमें कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं कुछ रिक्त स्थान हैं जो अपन को कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा रेंगने वाला जानवर है? रेंगने वाला मतलब जो पृथ्वी पे टच रहता है, रेंगता है। निम्न में अ है बकरी, ब है घोड़ा, स है गधा और द है सांप। तो ये आप टिक कर सकते हैं जो सही है। इनमें से कौन सा उड़ने वाला जीव है जो उड़ता है? बिल्ली, तोता, सांप, कुत्ता। कौन सा उड़ने वाला है उस पर टिक करना है। निम्न में से कौन सा तैरने वाला जीव है? तैरता कौन सा जीव है? घोड़ा, बकरी, मछली, चिड़िया। तो इनमें से कौन तैरता है?
उस पर टिक करना है। अगला है, निम्न में से मांसाहारी जानवर बाघ हाथी बकरी घोड़ा कौन सा मांसाहारी है वो बताना है। निम्न में से किस जीव के दांत नहीं होते हैं, ऐसा कौन सा जीव है जिसके दांत नहीं होते हैं। घोड़ा बिच्छू बकरी और गधा किसके दांत नहीं होते हैं। निम्न में से अनाज खाने वाला जीव है, अनाज खाने वाला जीव कौन सा है। कबूतर हिरण मछली चीता कौन सा है जो अनाज खाता है। कबूतर अनाज खाता है। अब अपन आते हैं रिक्त स्थान की तरफ। पहला है बारह सिंगा डैश खाता है, बारह सिंगा क्या खाता है। पत्तियां। बारह सिंगा पत्तियां खाता है। पक्षियों के डैश नहीं होते, क्या नहीं होते पक्षियों के, दांत नहीं होते। डैश जमीन पर रेंगता है, कौन रेंगता है जमीन पर, सांप। अगला क्या है, कुत्ता डैश जानवर है, पालतू जानवर है। अगला है छिपकली डैश खाती है, क्या खाती है छिपकली। छिपकली कीड़े मकोड़े खाती है ना। तो ये इसी के साथ अपने रिक्त स्थान कंप्लीट हुए और कार्यपत्रक 9 व 10 अपन ने आज पूरे किए हैं। अगली कक्षा में अपन आगे से शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।